बाटवारा बुद्धि विहार में भी मतदान खासा हंगामेदार रहा। यहां नेता विवेक सैनी और सपा नेता योगेश पाल की भिड़त भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रभाकर शर्मा से हो गई। भाजपा सपा के लोगों का कहना था कि भाजपाई अपने सत्ता के होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। भाजपाई बूथ में जाकर फोन से बात कर रहे हैं और नोकझोंक होने पर बड़े नेताओं की धमकी दे रहे हैं। असलियत क्या है ये पता नहीं, पर इतना जरूर है कि इस नोकझोंक के चलते वार्ड 16 का सियासी पारा खासा गर्म हो गया। कुछ नहीं, ये वोटर थे, आए थे अपने बूथ पे वोट डालने, मना कर दिया उन्होंने कि भीड़ है, मैं वोट नहीं डालूं। मन के आप सेंटर से बाहर जाइए, फिर मेरी इधर लेडी है, मन की लेडी को नहीं, लेडी के साथ में लेडी दूसरी है, वो चली जाएंगी आप प्लीज, इधर मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा आपको। नहीं नहीं बाइट नहीं, जो बात है वो मैं आपको बता दूँ, कुछ नहीं चलेगा बाहर, चलेगा। फर्जी तो नहीं था? नहीं नहीं फर्जी नहीं है, वोट है इनके पास में, वोट लाइन लगी है लंबी, नुकायां बाद में डालेंगे, बाद में डालेंगे तो आप बाहर जाइए। अच्छा, एक तरफ जो है सभी लोग जो बड़े अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि मतदाताओं से जो है वो प्यार से व्यवहार किया जाए, आपकी तरफ से जिस तरह से भी व्यवहार करा जा रहा था, क्या आप इसको उचित मानते हैं? नहीं नहीं, कोई मेरे साथ तो कोई, मैंने उनसे कोई मिसबिहेव नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं किया, मैंने बड़े प्यार से उनसे, उस बूथ पे उधर वो खड़े थे, भाई साहब आप क्यों खड़े हैं लाइन का, आप लाइन में चलिए, कोई बड़े प्यार।